So get the fuck up. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मीना व्लॉग्स। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है उत्तराखंड की झंगोरे की खीर। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको उत्तराखंड की झंगोरे की खीर कैसे बनाई जाती है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तभी आपको पता लगेगी कि ये कैसे बनाई जाती है। तो चलिए आइए, झंगोरे की खीर बनाने के लिए फ्रेंड जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती है वो है झंगरियाल। झंगरियाल को जब ये कच्चे रहते हैं तो इनको झंगरियाल कहा जाता है, लेकिन जब ये पक जाते हैं तो इन्हें झंगोरा कहा जाता है, इसीलिए इसको झंगोरे की खीर कहा जाता है। हिंदी में इसे सामक के चावल या समा के चावल भी कहा जाता है। इसके बाद हम ये चीनी जो इसमें हमें चाहिए, और ये कुछ ड्राई फ्रूट और इलायची और दूध। अब देखिए, इसमें झंगोरे को खीर बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो झंगरियाल को होता है 15 मिनट पहले भिगो देना चाहिए पानी में, जो कि मैंने पहले ही 15 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं झंगोरे की खीर बनाना। ये मैंने बर्तन रख दिया इस पर, और ये मैंने 1 किलो दूध लिया है जो खीर के लिए लिया है। ये मैंने 1 किलो और फुल क्रीम दूध लेना है हमको। देखिए, ये मैंने बर्तन में डाल दिया। और कोशिश करिए कि जो खीर बनाने के लिए हम झंगोरे की खीर बनाने के लिए बर्तन लेंगे या तो वो थोड़ा बड़ा हो या थोड़ा गहरा हो, क्योंकि जब खीर बनती है तो दूध उबलता है, तो ज़रा सा भी हम चूक करेंगे तो ये दूध पूरा उबल जाएगा। अब ये जो मैंने 1 किलो दूध ले लिया है, और इसमें जो मैंने झंगरियाल जो भिगाए थे वो इतना एक कटोरी था, जिसको हमने 15 मिनट तक भिगाना है, उसके बाद ये हमने दूध में डाल देना है। ये देखिए, ये हमने इसको दूध में डाल दिया है। अब हम इसको उबालते रहेंगे जब तक ये पूरा उबल कर कम ना हो जाए। अभी हमने इसको उबालते रहना है, 15-20 मिनट तक हमने इसको उबालना है। और ये इसमें हमने जब ये झंगोरा डाल दिया है उसमें हम इसको हिलाते ही रहेंगे। इसमें हम उबाल में जो मलाई आती है ऊपर, हम मलाई नहीं आने देंगे, हम इसको ऐसे हिलाते रहेंगे हर थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि ना तो ये नीचे लगे और ना ही जो मलाई है वो इसमें मलाई आ जाए। इस तरह से हम इसको हर थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड, जैसे ये उबलता है तो हमें इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना गिरे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसके लिए थोड़ा बड़ा बर्तन या फिर गहरा बर्तन चाहिए होता है, क्योंकि दूध में बहुत जल्दी उबाल आ जाता है। इस वजह से हमने बस इसको इस तरह से चलाते रहना है। और ये हमारा दूध उबल गया अभी, तो अब हम इसमें डालेंगे दो इलायची डालनी है। इलायची की जगह आप पाउडर भी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर, इलायची डालनी है। पर मैं इसको सिर्फ इस तरह से थोड़ा सा तोड़ के इस तरह से डालती हूँ, ताकि जब सर्व करूँ मैं इसको तो आराम से मैं निकाल दूँ। बस मैंने इस तरह से तोड़ी और इसमें डाल दिया। अब हमें इसको चलाते रहना है। खीर झंगोरे की खीर हो या कोई सी भी खीर हो, खीर बनाते हुए हमें पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। हमें इस तरह से इसको चलाते रहना है। ये देखिए, जैसे ही मैं इसको रोकूंगी इसमें उबाल आ रहा है, तो हमने इस तरह से इसको चलाते रहना है। इलायची हम तब डालेंगे जब ये उबलने लगेगा। ये देखिए, 15-20 मिनट पकाने के बाद ये कुछ इस तरह से थिक हो गई है। अब इस समय अब हम इसमें डालेंगे चीनी। ये चीनी जितने मैंने झंगरियाल लिए थे 1 किलो दूध में, उतनी ही हम चीनी डालेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा खाते हैं। ये मैंने इसमें डाल दी चीनी, और ये मैंने यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स निकाल के रखे हुए हैं इसमें से हम थोड़े ड्राई फ्रूट इसमें डालेंगे, बस थोड़े गार्निश के लिए रख देंगे। अभी तक हम इसको फुल फ्लेम पे पका रहे थे, लेकिन अब हम इसको चीनी डालने के बाद थोड़ा फ्लेम कम कर देंगे इसका। और अभी इसको कुछ देर के लिए हमें पकाना पड़ेगा। हमें इसको ज़्यादा झंगरियाल नहीं डालने चाहिए दूध में, क्योंकि ये ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो ये थोड़ी पतली होनी चाहिए, इतनी पतली नहीं पर थोड़ी थिक होनी चाहिए, जिस तरह से होती रहेगी अभी। और क्योंकि झंगरियाल थोड़े से भी डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए कि झंगरियाल कम डालनी चाहिए। 1 किलो दूध में मैंने केवल एक छोटी कटोरी के हिसाब से ही डाला है। ये देखिए, अभी हमारी खीर तैयार हो गई है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हो गई है। अब हम इसको निकाल देंगे। ये जो हमने इसमें इलायची डाली हुई थी, इस इलायची को हम अलग निकाल देंगे। ये देखिए,
ये इलायची उंगली निकालती है अलग, और एक ये भी, ये देखिए मैं इलायची आपको दिखाती हूँ कि इसका कोई भी बीज इसके अंदर नहीं गया होगा। ये देखिए पूरी की पूरी ये वैसे ही है, बस हल्का मैंने इसमें हल्का सा एक इसको ओपन किया था, और ये देखिए ये पूरी इसी तरह से है, लेकिन जो इसका फ्लेवर है वो इसमें पूरी तरह से आ गया होगा। ये देखिए आप इलायची बिल्कुल वैसी है, इसका एक भी दाना इसमें नहीं गया, पर इसका जो फ्लेवर है वो सारा इसमें आ गया था। अब हम इसको सर्व करने से पहले अलग निकाल देंगे। अब हम इसको सर्व करने के लिए रेडी है, अब हम इसको सर्व करने के लिए निकालते हैं। देखिए अब हम इसमें गार्निश कर रहे हैं, ये जो हमने अपने ड्राई फ्रूट्स अलग रखे हुए थे उसको हम इस तरह से डाल रहे हैं। पिस्ते को हम इस तरह से डाल रहे हैं, और ये देखिए फ्रेंड हमारी झंगोरे की खीर तैयार हो गई है, और आप इसको गर्म भी खा सकते हैं और फ्रिज में रखकर भी खा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड हमारी खीर रेडी हो गई है, उत्तराखंड की झंगोरे की खीर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छोटे से बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी जितने भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम पर मिलते रहें। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।